नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कोई जो राजनीतिक पार्टी होती है उसको राष्ट्रीय स्तर या फिर एक जो राज्य स्तर है वो कैसे मिलता है क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को अभी गुजरात में इलेक्शन हुए जैसे गुजरात में इलेक्शन हुए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि हमारी जो पार्टी है यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो है वो पार्टी बन चुकी है तो अब जानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और किसी पार्टी को अगर कोई पार्टी है राजनीतिक पार्टी वो अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा वो छीना जा सकता है साथ ही साथ हम जानेंगे राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी बन जाती है उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो इन तमाम चीजों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए हाल ही में जैसे मैंने कहा कि गुजरात चुनाव हुए गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को नौवीं राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा उन्हें मिला उन्हें कुल वोट का लगभग तेरह परसेंट प्राप्त हुआ था अभी हम क्राइटेरिया जानने वाले हैं कि कोई अगर पार्टी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी अगर बनना चाहती है तो उसको कितने परसेंट वोट चाहिए कितनी सीट चाहिए कितने कितने इलेक्शन उनको जीतने चाहिए ये सब चीज़ें हम जानेंगे तो अभी ये नौवीं पार्टी बनी है राष्ट्रीय स्तर की और इससे पहले अगर मैं बात करूं आम चुनाव जो 1952 उस समय जो थी वो चौदह राष्ट्रीय दल हुआ करते थे तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है तो क्या उससे उसका ये क्राइटेरिया छीना जा सकता है या फिर उसका ये दर्जा जो है वो छीना जा सकता है बेशक छीना जा सकता है जैसे जिसको दिया जा सकता है उसको मतलब कि नीचे डाउन की तरफ भी लाया जा सकता है तो हम वो जानने वाले हैं तो अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की देखिये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है किस लिए भाई पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर उनको वो मान्यता प्राप्त हुई देती है अन्य दलों को देखिए अब भाई जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं फिक्स की हुई हैं इतने परसेंट वोट चाहिए इतने परसेंट सीट चाहिए अगर आप वो प्राप्त कर लेते हो तो आपको राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर का जो है वो दर्जा दे दिया जाता है आपको मान्यता दीजिए मान्यता जो है वो रिकग्नाइज कर दिया जाता है और कुछ अन्य दल ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त होते हैं ये भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं लगभग सत्ताईस सौ के करीब जो है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप समझिए लेकिन इन सत्ताइसो में से ये जो पार्टीज हैं इसको दो कैटेगरीज में ये सारी रजिस्टर्ड हैं ये सारी रजिस्टर्ड हैं लेकिन इन सत्ताइसो में रजिस्टर्ड हैं और पार्टी हैं और कुछ ऐसी पार्टी हैं जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकनाइज पार्टी हैं रजिस्टर्ड अनरिकोगनाइज पार्टी की संख्या बहुत ज्यादा है कुछ है कि पार्टी जो है जो रजिस्टर है और रिकग्नाइज है तो इस चीज़ का ध्यान रखना अपने पास तो ये गैर मान्यता दल जो होते हैं वो कौन से होते हैं जो भाई जिन्होंने रजिस्टर तो करवा ली अपनी पार्टी लेकिन वो कभी उतने चुनाव उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा या फिर उतने परसेंट वो वोट कभी जीत ही नहीं पाए होंगे उनको रिकग्नाइज मिल जाए यानी कि मान्यता मिल सके तो वो अनरिकगनाइज कैटेगरी में डाल दिया जाता है एक एक्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है किसी पार्टी को टाइम आने पर या फिर उसने जो है वो ऐसा क्राइटेरिया पार कर लिया है उसको राष्ट्रीय नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है ये एक ट्वीट है मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जो, जो है वो आठ दिसंबर को किया गया था कि गुजरात की जनता ने जो आम आदमी पार्टी को जो वोट दिया है और उस वोट से आज वो राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो वो बहुत ज़्यादा उनके आभारी हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी अब बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्टी जो है वो कैसे बनती है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं देखिए नेशनल पार्टी एक तो आप नाम से ही समझ जाओ नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जैसे कोई राज्य स्तर की पार्टी होती है तो वो एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है लेकिन एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रव्यापी इसकी उपस्थिति होती है अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे राष्ट्र इसको वोट देगा या फिर पूरे राष्ट्र में इसकी ख्याति होगी वोट तो उनके आधार पर उनको मिलता रहेगा लेकिन इनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया अभी मैं आपको मैं इसके फायदे भी बताने वाला हूँ क्या क्या इसके फायदे होते हैं अब कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना चाहती है तो उसको क्या क्या जो है वो आ, मतलब शर्तों को पूरा करना पड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 हज़ार उन्नीस पुस्तिका के अकॉर्डिंग एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा अगर वो कुछ शर्तें पूरी करती है शर्तों में पहली शर्त यह होती है कि अगर वो चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो मतलब कि जैसे कि हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है इन चारों राज्यों में वो उनको क्या है राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है तो वो नेशनल पार्टी के तौर पे मानी जाएगी उसको आ, मतलब कि राष्ट्रीय दर की राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी घोषित कर दिया जाएगा एक तो ये तरीका है दूसरी अगर ये नहीं पूरी हो रही तो दूसरी पूरी कर लो कि लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव में चार अलग अलग राज्यों में जो भी वोट डाले गए कुल वैध वैध वोट जो है उनका छह प्रतिशत अगर वोट प्राप्त कर लेते हैं साथ ही साथ चार लोकसभा सीटों पर अगर वो दर्ज जीत करते हैं तो यहाँ पर उनको नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा ये भी अगर शर्त पूरी नहीं होती इसके अलावा एक शर्त और है, अगर वो पूरी करे तो यदि किसी पार्टी ने कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम दो प्रतिशत सीट प्राप्त मतलब यहाँ पर अगर ये सब चीज़ पूरी हो जाती है तो भी उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली हैं एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं अब ये तो होगी राष्ट्रीय पार्टी अब हम बात करें राज्य स्तर की जो पार्टी होती है वो कैसे बनती है किसी पार्टी को अगर राज्य स्तर पर काम करना हो वो सिर्फ वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वो नहीं जाना जाती उसको राज्य स्तर पर ही मान्यता चाहिए तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं तो उसकी शर्तें हैं यदि वह संबंधित राज्य में कोई पार्टी है वो अपने राज्य में खड़ी है जैसे समाजवादी पार्टी का उदाहरण लेते हैं नई नई बनी है तो उत्तर प्रदेश में ही उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा राज्य विधानसभा के आम चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जो वैध वोट डाले गए उसके छः परसेंट उसे प्राप्त करने होंगे साथ ही साथ उसी राज्य की विधानसभा में उसे दो सीटें जीतनी होंगी ध्यान रखना छः परसेंट वोट तो उसको जीतने ही जीतने मतलब कि उसको प्राप्त कर रहे हैं और दो सीटें उसको जीतनी होंगी अब बात आए कि अगर सर दो सीटें ना जीते हैं छः परसेंट ये अगर सिर्फ और सिर्फ वोट ही पर, उनको मिल जाए तो वो कितना चाहिए होता है तो उनको आठ परसेंट वोट जो है वो वहाँ पर चाहिए होंगे तो यहाँ पर आठ परसेंट वोट मतलब कि नहीं नहीं वो लोकसभा के लिए होता है ये कि सॉरी ये मुझसे मिस्टेक होगी यहाँ पर देखिए यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में कुल वैध का छः परसेंट वोट मिलता है और उसी राज्य में एक लोकसभा सीट जीत जाता है तो उसको राज्य स्तर की पार्टी मान लिया जाएगा अगर ये नहीं होता है तो राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में जो वोट डाले गए हैं कुल वैध वोटों का वो अगर आठ वोट जीत लेते हैं तो उनको राज्य स्तर का मिल जाएगा देखिए छः परसेंट ले लीजिए साथ ही साथ एक सीट ले लीजिए तो आपको राज्य स्तर का मिल जाएगा अगर ये नहीं कर पा रहे तो आठ परसेंट वोट ले लीजिए तो ये दोनों क्राइटेरिया हो गया यहाँ पर इसके अलावा यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनावों में विधानसभा में तीन परसेंट अगर वो जीतता है तीन परसेंट सीटें अगर जीतता है या फिर विधानसभा में तीन सीटें जो भी अधिक हो वो अगर ले, ले लेता है तो उसको क्या मिल जाता है राज्य स्तर का दर्जा दे दिया जाता है तो ये हो गया है राज्य स्तर का अगर किसी पार्टी को दर्जा चाहिए तो अब बात करते हैं कि अगर किसी पार्टी को राज्य या फिर राष्ट्र राश्ट, राष्ट्रीय स्तर का अगर दर्जा मिल जाता है तो उसके क्या महत्व हैं क्या उसको बेनिफिट मिलते हैं तो देखिए कुछ चीज़ें उनको मिल जाती हैं कुछ अधिकार उनको मिल जाते हैं कुछ प्रिवलेज उनको मिल जाते हैं अधिकार जैसे कि अगर कोई पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी का निशान क्या है साइकिल है और बीजेपी बीजेपी का साइन क्या है पॉलिटिकल पार्टी है इसका साइन क्या है कमल है ये एक स्टेट पार्टी है ये एक नेशनल पार्टी है तो ये स्टेट पार्टी जो है इसके पास जो साइकिल का निशान है वो उत्तर प्रदेश में किसी और को नहीं दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, पार्टी को दिया जाएगा लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात है अगर हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई पार्टी है उसका किसी कोई और नाम है अगर उसके पास उसके पास वो साइकिल का सिंबल जा सकता है स्टेट पार्टी के पास यही होता है कि स्टेट पार्टी का उसको अगर दर्जा मिल गया तो उस स्टेट में उसका सिंबल जो है वो किसी और पार्टी को नहीं देंगे उसी स्टेट में लेकिन दूसरे स्टेट में उसका सिंबल मिल सकता है बीजेपी की अगर हम बात करूं वो एक नेशनल पार्टी है तो इसके पास जो कमल है वो किसी को नहीं दिया जाएगा पूरे देश के अंदर तो एक ये फायदा हो गया दूसरा हो गया ये जो टेलीविजन है रेडियो स्टेशन है वहां पर अपने राजनीतिक प्रसारण के लिए इनको समय दिया जाता है फ्री होता है इनके पास वो वहां पर जा सकते हैं अपना प्रचार कर सकते हैं साथ ही साथ निर्वाचन श्रुतियों को इनको प्राप्त करने की सुविधा होती है और अपने चुनाव के दौरान वो स्टार कैंपेन जो है वो चालीस स्टार कैंपेन का यूज कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज पार्टी होती है और जो रजिस्टर्ड अनरिकोग्नाइज पार्टी है वो ट्वेंटी स्टार प्रचारक जो है वो रखने की उनको अनुभूति होती है प्रत्येक राष्ट्रीय ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्ट है उसी दल के आरक्षित होगा राज्य और मतलब कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैंने आप लोगों के बीच में ये जो डिफरेंस था वो भी आपको क्लियर कर दिया एक राज्य दल के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह ये दोनों वही बातें होती हैं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद करता हूँ इस चीजें समझ में आ गई होंगी तो ये था आज का टॉपिक किसी पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना है राज्य स्तर की अगर पार्टी बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया जो है उनको पूरा करना पड़ता है उनको क्या क्या बेनिफिट जो है वो वहाँ पर दिए जाते हैं और ध्यान रखना आज की डेट में टिल नाउ हमारे पास नाइन नेशनल पार्टीज हो चुकी हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा समझ में आया तो मुझे कैसे बता सकते हैं ऑब्वियसली लाइक like करके वीडियो को और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके अगर कोई डाउट है तो वहाँ पर कमेंट भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आई डेफिनेटली अगली वीडियो में आप लोगों के लिए वो कवर कर दूंगा तो यहाँ पर पी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो